अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। 3.5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करने लगे हैं, जिसकी स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि हमारे पास एक अमेबा फिश है, फिश कह सकते हैं, वैसे सिंपली अमेबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, बायो वाले इसको बेहतर समझते हैं, जिसका मैस इतना है, प्रोपेल करता है, मतलब अपने आप को आगे की तरफ धकेलता है पानी के अंदर बाय ब्लोइंग अ जेट ऑफ वाटर थ्रू आउट एनी ऑरिफाइस। पानी को बाहर निकालते हुए जैसे जेट पानी को पीछे की तरफ धकेलता है और खुद आगे की तरफ मूव करता है, तो द अमीबा इजेक्ट करता है पानी को इस स्पीड के साथ 1×10^4 मीटर पर सेकेंड, और एक सेकेंड में इतना केजी मैस ऑफ वाटर को क्या कर देता है, इजेक्ट। Assumes that the water is being continuously replenished so that the mass of the amoeba remains the same. कहता है अज्यूम कर लें कि वाटर जो है वो कंटिन्यूसली रिप्लेनिश हो जाता है और अमीबा जो है वो मैस को क्या रखता है, अपने सेम रखता है। पानी जितना वो अपने अंदर फिल करता है उतना ही वो प्रोपेल कर देता है, पीछे की तरफ धकेल देता है और खुद आगे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे बैलून के अंदर एयर भर दी जाए और फिर उसका फेस ओपन किया जाए तो कितनी तेज़ी से एयर बाहर निकलती है और बैलून आगे की तरफ जाता है, वो बिल्कुल इसी तरह कहना चाह रहा है कि जब एक अमेबा अपने अंदर पानी को फिल करके अपने टिली और फाइस में से तेज़ी के साथ स्पीड के साथ इतना मैस ऑफ वाटर एक सेकंड में जेट करता है तो वो आगे की तरफ बढ़ता है। कहता मान लें कि अगर पानी की कोई फोर्स अमेबा पर एक्ट नहीं कर रही तो बताएं अमेबा कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगी। If amoeba moves with constant velocity, अगर amoeba constant velocity से move कर रही है water के अंदर, what is force of the surrounding water? पता बताएं surrounding water की कितनी force amoeba पर लग रही है। Mass of amoeba दिया हुआ है, speed of ejection of water भी दिया हुआ है, mass per second भी दिया हुआ है, acceleration of amoeba पूछा। हम जानते हैं force of water on amoeba भी पूछा। तो force is equal to mass per second multiplied by speed ये होता है। सिंप्लीफाई किया फोर्स आ गई, एफ इज इक्वल टू एम ए, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, एक्सेलरेशन दिया। सिंपल फार्मूले हैं दो, पहले हमने अप्लाइड फोर्स मालूम कर ली, वो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम वाले फार्मूले से फाइंड की, न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड कर ली। 3.6 न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल है और ईजी है। A boy places a firecracker of negligible mass in an empty can of 40 gram mass. एक लड़का एक पटाखे को जिसका मैस निग्लिजिबल है एक एम्प्टी केन के अंदर जिसका मैस 40 ग्राम है प्लेस कर देता है, रख देता है। He plugs the end with a wooden block of mass 200 kg. वो प्लग करता है केन के साथ एक लकड़ी का टुकड़ा जिसका मैस कितना है 200 केजी। आफ्टर इनिशिएटिंग द फायर क्रैकर, पटाखे को जलाने के बाद, ही थ्रोस द केन स्ट्रेट अप, वो उस केन को ऊपर की तरफ थ्रो कर देता है। इट एक्सप्लोड्स एट द टॉप ऑफ द पाथ, वो फटता है अपने ऊपर वाले पाथ पर जाकर, यानी आपने थ्रो किया ना ऊपर पहुंचा मैक्सिमम पाथ पर जहां तक पहुंचा और एक्सप्लोड हो गया। If the block shoot out with a speed of 3 meter per second, अगर लकड़ी का टुकड़ा इतनी स्पीड से मूव करेगा तो बताएं केन की स्पीड से मूव करेगा। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल आपने पहले डिस्कस की हुई है, मैस ऑफ केन M1 दिया हुआ, मैस ऑफ ब्लॉक M2 दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक हमें दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ केन हमसे पूछा गया, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक पूछा है आफ्टर इनिशिएटिंग या आफ्टर एक्सप्लोजन, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल होता है टोटल फाइनल मोमेंटम के, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन मोमेंटम ये कहता है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम जीरो है, क्यों? क्योंकि पहले केन और वुडन ब्लॉक रेस्ट की हालत में है। टोटल फाइनल मोमेंटम में केन और ब्लॉक एक्सप्लोड होने के बाद अपोजिट मूव करेंगे, तो इसलिए जो नेगेटिव एक्स में जाएगा उसके साथ साइन नेगेटिव लगा दिया और जो पॉजिटिव एक्स में जाएगा उसके साथ साइन पॉजिटिव लगा दिया। ये नेगेटिव वाली इक्वेशन इज इक्वल टू कि इस तरफ आकर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। v1 इधर है, m1 को इसके नीचे ले जाकर डिवाइड कर दिया, तो v1 इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 0.04 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ गया।
3.7 न्यूमेरिकल क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन मैस कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन है जिसका मैस ही कांस्टेंट होता है, ट्रेवलिंग एट 2×10⁻¹ मीटर पर सेकेंड, ट्रेवल करता है इतनी स्पीड के साथ, अंडरगोज अ हेड ऑन कोलिजन और जाकर टकराता है किससे, हाइड्रोजन एटम से जिसका मैस इतना है, विच इज इनिशियली एट रेस्ट, जो कि क्या है, रेस्ट की हालत में है, एज्यूमिंग द कोलिजन टू बी परफेक्टली इलास्टिक, एज्यूम कर ले कि कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, एंड अ मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, कहता है बताएं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुई स्ट्रेट लाइन मोशन में हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी क्या होगी, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन m1, मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम m2 दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v1 दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम v2 ये भी दिया हुआ है, क्योंकि उसने कहा कि हाइड्रोजन एटम रेस्ट में है, ये लिखा हुआ अभी द हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट, पूछा क्या है हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो हमारे पास इक्वेशन मौजूद है, v2 प्राइम इज इक्वल टू m2 माइनस m1 v2 ओवर m1 प्लस m2 प्लस 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2. अब वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए v2 0 है तो ये एक टर्म तो वैसे जीरो होगी, इक्वेशन ये बच गई, वैल्यूज पुट किया आंसर आ गया हमारे पास 2.18 × 10⁴ मीटर पर सेकंड, 3.8 न्यूमेरिकल क्या कहता है, अ ट्रक वेट 2500 kg, एक ट्रक है जिसका वेट कितना है 2500 kg एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकंड, एक ट्रक का वेट 2500 kg है, मूव करता है वेलोसिटी से कितनी 21 मीटर पर सेकंड, कोलाइड्स विद स्टेशनरी कार, जाकर टकराता है वो ट्रक किससे बचे, स्टेशनरी कार से, यानी रेस्ट में है कार उससे, जिसका मैस कितना है 1000 kg, द ट्रक एंड द कार मूव्स टुगेदर आफ्टर द इंपैक्ट, ट्रक और कार टकराने के बाद दोनों एक साथ मूव करते हैं, कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी, उनकी कॉमन वेलोसिटी मालूम करके बताएं, मैस ऑफ ट्रक m1 दे दिया, मैस ऑफ कार m2 दे दिया, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ट्रक 21 दी हुई है, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ कार v2 0 है क्योंकि स्टेशनरी थी, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द कार एंड ट्रक, उसे क्योंकि कॉमन वेलोसिटी है इसलिए उसे कैपिटल वी से जाहिर कर दिया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर है टोटल फाइनल मोमेंटम के, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, इक्वेशंस में पुट कर दें, v2 को 0 पुट कर दें, m1 m2 की वैल्यूज पुट कर दें, आंसर आपके पास आ जाएगा। 3.9 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या कहता है, टू ब्लॉक्स ऑफ मैस 2 kg एंड 0.50 kg आर अटैच्ड एट द टू एंड्स ऑफ अ कंप्रेस स्प्रिंग, एक स्प्रिंग कंप्रेस हालत में दो ब्लॉक है, एक का मैस इतना है और दूसरे का इतना है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल प्रॉब्लम हमने पहले की है, क्योंकि स्प्रिंग जब कंप्रेस होता है तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, कौन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो उसने बता दिया कितनी स्टोर हुई 10 joule, फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक, कहता है वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक मालूम करके बताएं, इफ द स्प्रिंग डिलीवर्स इट्स एनर्जी टू द ब्लॉक व्हेन रिलीज, अगर वो स्प्रिंग रिलीज होने के बाद अपनी एनर्जी को ब्लॉक्स में क्या कर लेगा, डिलीवर कर लेगा, m1 दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, v1 मालूम करना है, v2 मालूम करनी है, आफ्टर रिलीज टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर है, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो होगा क्योंकि कंप्रेस्ड हालत के अंदर स्प्रिंग भी और मैसेज भी रेस्ट में थे, m1 v1 प्लस m2 v2 जो टर्म इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगी साइन नेगेटिव हो जाएगा, हमने वैल्यूज पुट की एक इक्वेशन बना ली -4 में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ½ m1 v1 स्क्वायर प्लस ½ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 जूल, स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक्स के, पहला ब्लॉक भी मूव करेगा उसकी भी काइनेटिक एनर्जी, दूसरा ब्लॉक भी मूव करेगा उसकी भी काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग के अंदर मौजूद एनर्जी डिलीवर होगी मैसेज को और मैसेज वही एनर्जी लेकर मूव करते हुए उसकी काइनेटिक एनर्जी में इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशंस बन गई, वैल्यू पुट करें हमारे पास आंसर आ जाएगा v1 का।
आप इसी को V2 में पुट करें तो आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह बच्चों हम कल डिस्कस करेंगे 3.10।